एक बात होंठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी, मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती, जिनको पहन के होंठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। तारा तारा गिन के रात बिताई, नैना नू जद कोई दे दे तरसाई, भीड़ में रह के भी कोई तन्हा रह जाए, यादा दी महफिल दिल कलियां सजाए, बस चैन यार ते करार यार, इस जिंदगी दी दरकार यार, बस चैन यार ते करार यार, इस जिंदगी दी दरकार यार, कमली बना के इश्क नचावे बिन सुर ताल, इश्क कमान इश्क कमान, जिस दिन लगे इश्क कमान, पीवे मरे ना जीवे, चले जाए जिसनू उमार सदा, उससे बेखबर को मस्त नजर को, अखा सावे शीशे चो में यार दिसदा, शीशे चो यार दिसदा, यार दिसदा, यार दिसदा, ना ये समझ किसी के समझाए, बस अकला दे कद ना आए, कैसे प्यास ये कोई तो बताए, कोई दरिया भी जिसे ना बुझाए, बस आस यार एक प्यास यार, जिंद यार पास जिंद पास यार, बस आस यार एक प्यास यार, जिंद यार पास जिंद पास यार, इश्क का तारी रोक ना पाए कोई भी ढाल, इश्क कमाल इश्क कमाल, न लगे इश्क कमाल इश्क कमाल इश्क कमाल, जिस दिन लगे इश्क कमाल, इश्क कमाल, इश्क कमाल, इश्क कमाल।
इश्क कम। हेलो एवरीवन, बेसिकली हम मुंबई से पुष्कर हमारे प्री वेडिंग शूट के लिए आए। हमने यहाँ पे 3 डेज स्पेंड किए। फर्स्ट डे हमने सिटी एक्सप्लोर किया एंड देन उसके बाद में मैंने काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम मेरी फियांसी के साथ में स्पेंड किया। देन नेक्स्ट डे से हमने हमारा प्री वेडिंग शूट स्टार्ट किया। उसमें हमने अजमेर पुष्कर के नियर बाय प्लेसेस कवर किए। शॉट के दौरान मुझे काफ़ी मतलब हर एक सीन के अंदर काफ़ी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई, जो हमारी टीम जिसमें नरेंद्र जी एंड विजय जी और सतपाल सर, इन्होंने काफ़ी मदद की। एंड सबसे ज़्यादा क्रेडिट मुझे फियांसी को जाता है, उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया उसके अंदर। उसने बताया कि किस तरीके से शॉट लेने चाहिए या फिर किस तरह कौन सा एंगल शूट करेगा या क्या नहीं करेगा। एंड उसने मेरे को ड्रेसेस वगैरह के लिए भी काफ़ी गाइड किया, सो आई एम थैंकफुल टू हर। डे जब हम शूट कर रहे थे, तब जब हम प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज फेस हुई रिगार्डिंग ड्रोन एंड ऑल, बट उस वजह से हम काफ़ी डीमोटिवेट हो गए थे। बट हमारी जो टीम थी, उन्होंने हमें काफ़ी हमारा मोटिवेशन बूस्ट किया और उन्होंने काफ़ी प्लेसेस एक्सप्लोर किए हमारे साथ विदाउट एनी हैसल, एंड हमने काफ़ी एंजॉय किया। हम थक जाते थे, लेकिन वहाँ पे एक विजय जी थे जो बस कैमरा लेके खड़े रहते थे और कहते थे चलो शूट करते हैं। एक्चुअली उन्हें काफ़ी एंथुसियाज्म था, सिंसियरिटी थी, जिन्होंने मतलब जो पूरी टीम है जो काफ़ी सिंसियरली सपोर्ट भी करते हैं, जो भी एंगल्स हैं एंड ऑल उन्हें परफेक्टली पता है। आपको रीटेक एंड ऑल में आपको एटलीस्ट आप परेशान नहीं होंगे कि ये फिर से नहीं, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो आई विल थैंक्स माई फियांसे जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द शूट एंड द स्वीटनेस विच ही हैज शोन टुवर्ड्स मी, इट वॉज रियली वेरी नाइस। जो गगन सर ने जो ड्रोन के शूट लिए हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, उनके जो एफर्ट्स थे वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे थे, तो थैंक्स टू गगन सर ऑल्सो। काफ़ी अमेजिंग रहा दोनों के साथ में सफ़र, सब बोरिंग नहीं लगा कि कभी किसी ने बोर किया हो या कुछ, काफ़ी बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, शांति से इन लोगों ने हमारा साथ दिया हर जगह पे, देवर देर। हाँ, इन्होंने हमारा सामान उठाया गदा मजदूरी की, ऐसा मत बोल यार, बहुत ट्रैकिंग बहुत काफ़ी, तो चार साल झुक झुक जी, अच्छा पति मिले तुमको, कुछ सब अच्छा था। बट शूट खत्म हो गया, लेकिन अभी ब्रार सर की अभी तक भी स्माइल अभी देखने को नहीं मिली। नरेंद्र जी ने भी काफी सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा एंड के अंदर काफी सारे पोजेस उन्होंने निकाले जो गूगल में काफी इंटरेस्टिंग थे एंड वो नहीं सकते थे, तो वो काफी अच्छे थे, तो ओवरऑल टीम वाज वेरी गुड। जी का बता, मेरे को तारीफ तुम्हें करवाऊंगा क्या बोल के कराते।